हाय फ्रेंड्स, आज हम वेज हैदराबादी बिरयानी बनाएंगे। हम इसे गैस पे दम देके बनाएंगे और ये परफेक्ट है छोटे गेट टुगेदर के लिए। ये वन मील डिश की तरह भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हैदराबादी बिरयानी बनाना। हमारी बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल मैजिक ऑफ इंडियन रसोई को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को भी जरूर से क्लिक कीजिए। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल उबालेंगे, तो उसके लिए एक कप बासमती राइस लेने हैं। चावल को आधे घंटे के लिए बहुत सारे पानी में भिगोना है और फिर इसे दो से तीन बार साफ पानी से धोना है। चावल को मैंने उबाल के तैयार किया है। इसके लिए एक बड़े बर्तन में 5 कप पानी को गर्म करना है। पानी में जब उबाला आ जाए तो इसमें एक छोटा टुकड़ा तज का, एक तेज पत्ता, 3 से 4 लौंग, 2 हरी इलायची और 2 से 3 चम्मच नमक डालकर इसमें भिगे हुए चावल को पूरा पानी उसका अलग कर दे और फिर इसमें डाले और इसे अधिक आंच पर 90% कुक होने तक पकाएंगे और फिर इसका अतिरिक्त पानी छन्नी में छान लेंगे और चावल को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। बिरयानी के लिए अब हम बिरस्ता बनाएंगे, तो मैंने 2 बड़े प्याज को स्लाइसर में एकदम पतला पतला स्लाइस कर लिया है। प्याज का बिरस्ता बनाने के लिए ऐसे तो प्याज को डीप फ्राई करते हैं, लेकिन हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो एक कढ़ाई में 1/4 कप तेल गरम करना है। अब इसमें प्याज के लच्छे डालेंगे और आंच को मीडियम रखकर इसे अच्छा ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये सब तरफ से अच्छे से ब्राउन हो। प्याज अब गोल्डन कलर के होने शुरू हो गए हैं, हम इसे 5-1 मिनट के लिए और पकाएंगे। प्याज अच्छे ब्राउन कलर के हो गए हैं, अब हम आंच बंद कर देंगे और इसे एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे। अब एक पैन में 1/2 बड़ा चम्मच घी गरम करना है। अब हम इसमें 6 से 7 बादाम और 6 से 7 काजू, काजू को मैंने बीच में से स्लाइस कर लिया है, डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छा गोल्डन कलर होने तक सेकेंगे। ड्राई फ्रूट्स अच्छे गोल्डन कलर के हो गए हैं, अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर करेंगे। अब इसी पैन में हम 1 बड़ा चम्मच घी और डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच तेल, 2 छोटे टुकड़े तेज पत्ते के, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी और 3 से 4 लौंग। अब इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज और 6 से 7 कली लहसुन को भी बारीक काट के डालना है। प्याज और लहसुन को थोड़ा सुनहरा होने तक पकाना है। अब इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डालना है और 2 से 3 हरी मिर्ची को बीच में से लंबा स्लिट करके डालेंगे। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच बिरयानी मसाला, ये बाजार में तैयार मिलता है, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1/4 कप पानी डालना है और इसमें उबाला आने देना है। अब इसमें उबली हुई सब्जियां डालनी है, ये लगभग 2 कप है। इसमें मैंने 1 छोटा फूल गोभी या 1/2 फूल गोभी लेना है, 1 मीडियम साइज का आलू काट के लेना है, 1 गाजर को डाइस करके लेना है, 2 से 3 चम्मच मटर के और 10 से 12 फंसी को काट के लेना है, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1/2 कप ताजी दही, इसे थोड़ा चम्मच से मिक्स करके लेना है। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेना है। सब्जी को ढककर धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। 3 से 4 मिनट के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी सब्जी तैयार है। बिरयानी असेंबल करने के लिए एक हांडी लेंगे, मैंने एल्यूमिनियम की ली है, आप चाहे तो नॉनस्टिक भी ले सकते हैं।
और इसे घी से एकदम अच्छे से ग्रीस करना है। उबले हुए चावल के तीन हिस्से करने हैं और सबसे पहले हम नीचे का एक लेयर चावल का बिछाएंगे। ऊपर से फ्लेवर के लिए एक छोटी चम्मच रोज वाटर डाल लेना है, एक या दो छोटी चम्मच केसर वाला दूध। केसर वाले दूध के लिए मैंने एक चौथाई कप दूध में 10 से 12 कतरन केसर की भिगो के रखी थी एक घंटे पहले। एक छोटी चम्मच जितना बारीक कटा हुआ पुदीना, एक छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा प्याज का बिरस्ता फैला के डालना है। अब जो हमने सब्जी तैयार की है उसमें से आधी सब्जी को फैला के एक लेयर बनाना है। ऊपर से हम दूसरे चावल का लेयर करेंगे और आगे का प्रोसेस पहले की तरह रिपीट करेंगे। अब फाइनल हम चावल का लेयर डालेंगे और ऊपर से केसर वाला दूध डालना है, एक छोटी चम्मच जितना रोज वाटर, बिरस्ता, घी में सेके हुए काजू और बादाम फैला के डालना है और दो चार काजू बादाम के टुकड़े हम गार्निश के लिए रख देंगे और ऊपर से दो छोटी चम्मच घी फैला के डालना है। हांडी को एल्यूमिनियम फॉइल से एकदम अच्छी तरह से टाइटली बंद करना है और कोई टाइट प्लेट या ढक्कन लगाना है ऊपर से। हैदराबादी बिरयानी को 15 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पे दम पे पकने देना है। आप चाहे तो बीच में तवा भी रख सकते हैं। 15 मिनट के बाद आंच बंद कर देनी है और बिरयानी को चेक कर लेना है। तो एकदम ही स्वाद से भरी हुई हैदराबादी बिरयानी खाने के लिए तैयार है। इसे गर्मा गर्म परोसे। वेज हैदराबादी बिरयानी को आप मिर्ची के सालन के साथ या फिर अपने मन चाहे रायते के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।